हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर बाजार विद मोदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वेदांता और एप्टस की जो दिसंबर क्वार्टर के जो फिनेंशियल रिजल्ट्स थे उसको एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग वेदांता के जो है सो स्टेटमेंट्स को देखेंगे। देख सकते हैं स्टेटमेंट जो होगी वो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों की स्टेटमेंट होगी और नाइन और क्वार्टर मंथ्स की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कंपनी की तरफ से कोई भी डिविडेंड इशू नहीं किया गया। पिछले महीने 11 दिसंबर को डिविडेंड इशू किया गया था, बस उसी के बारे में कहा गया है। और फ्रेंड्स, इसके हम लोग बात करें, पहले जो स्टेटमेंट है देख सकते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है जो कि नंबर्स होंगे करोड़ में होंगे। अगर हम इसके टोटल इनकम की देखें तो टोटल इनकम देख सकते हैं 34,674 करोड़ की जो है इनकम देखने को मिली दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 31,074 करोड़ की जो है सो इनकम देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें दिसंबर 20 की देख सकते हैं, दिसंबर 20 क्वार्टर में देख सकते हैं 23,621 करोड़ की जो है इनकम देखने को मिली थी। देख सकते हैं जो इनकम इस बार अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर बात करें इसके 9 मंथ्स की, तो 9 मंथ्स की भी इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। अब अगर बात करें इसके हम टोटल एक्सपेंस की, टोटल खर्च जो कंपनी की तरफ से हुई, तो देख सकते हैं 26,845 करोड़ की जो है दिसंबर क्वार्टर में खर्च देखने को मिला है, जबकि सितंबर क्वार्टर में देख सकते हैं 23,222 करोड़ की जो है सो खर्च देखने को मिली थी। अगर बात करें हम इसके दिसंबर 20 क्वार्टर की, तो देख सकते हैं 18,211 करोड़ की जो खर्च देखने को मिली थी। और 9 मंथ्स की खर्च की भी आप स्क्रीन पर जो है सो डेटा देख सकते हैं जो कि खर्च देखने को मिली थी। अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी की जो प्रॉफिट्स निकल के आई है, देख सकते हैं जो कंपनी की प्रॉफिट्स इस बार निकल के आ रही है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जो कि देख सकते हैं 5,354 करोड़ की जो प्रॉफिट्स निकल के आई है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 5,812 करोड़ की प्रॉफिट देखने को मिली थी। और अगर बात करें हम इसके दिसंबर 20 क्वार्टर की, देख सकते हैं 4,224 करोड़ की जो प्रॉफिट देखने को मिली थी। देख सकते हैं क्यू ओ क्यू में जो है सो प्रॉफिट्स में थोड़ी निगेटिव देखने को मिली है, बट वाई ओ वाई में अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल रही है। और 9 मंथ्स की भी प्रॉफिट में आप देख सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब बात करें कंपनी के ईपीएस की, तो कंपनी के जो ईपीएस है देख सकते हैं जो निकल के आ रही है वो है 11.24 रुपीज़ की ईपीएस, जो कि पिछले क्वार्टर से थोड़ी कम देखने को मिली है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है, देख सकते हैं हम लोग अब देखेंगे कौन स्टैंड अलोन स्टेटमेंट। आपको ये स्क्रीन मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये नंबर्स जो है सो क्लियरली शो हो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं स्टेटमेंट जो है पहल स्टैंड अलोन है और नंबर्स जो होंगे वो करोड़ में होंगे। अब अगर बात करें हम इसके टोटल इनकम की, तो कंपनी की तरफ से टोटल इनकम निकल के आई है वो है 21,227 करोड़ की, जबकि सितंबर क्वार्टर देख सकते हैं 15,813 करोड़ की जो है सो इनकम निकलने को देखने को मिला था, जबकि दिसंबर 20 क्वार्टर में 15,676 करोड़ की जो है सो इनकम देखने को मिली थी। देख सकते हैं इनकम में भी जो है सो ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बात करें 9 मंथ्स की, 9 मंथ्स की भी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस को देखें, तो एक्सपेंसेस कंपनी की भी देख सकते हैं अच्छी खासी एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा है, जो कि 14,017 करोड़ की एक्सपेंसेस देखने को मिली है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 11,876 करोड़ की एक्सपेंसेस देखने को मिली थी। और अगर बात करें हम इसके दिसंबर 20 क्वार्टर की, देख सकते हैं 8,573 करोड़ की जो है एक्सपेंसेस देखने को मिली थी। अगर 9 मंथ्स की एक्सपेंसेस की देखें, तो 9 मंथ्स की भी एक्सपेंसेस आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अब अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी की जो प्रॉफिट्स निकल के आई है देख सकते हैं 6,473 करोड़ की जो है प्रॉफिट देखने को मिली है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 3,279 करोड़ की जो प्रॉफिट देखने को मिली थी। अगर बात करें हम इसके 12 मंथ्स की, तो देख सकते हैं 5,720 करोड़ की जो प्रॉफिट देखने को मिल रही थी। तो देख सकते हैं प्रॉफिट्स में भी जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि अच्छा है, पॉजिटिव में है। और इसके हम 9 मंथ्स की देखें, 9 मंथ्स में भी जो है ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम बात करें इसके ईपीएस की, तो ईपीएस भी देख सकते हैं जो अच्छी खासी प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला, 17.40 पैसे का जो है सो 17.4 रुपीज़ का जो है सो ग्रोथ देखने को मिला, ईपीएस देखने को मिला है। अब इसके हम लोग शेयर प्राइस भी देखें, तो देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड की भी जो प्राइस अभी चल रही है वो 27.85 रुपीज़ की प्राइस देखने को मिल रही है, जो कि आज नॉर्मली ट्रेड रही है। और फ्रेंड्स, अगर बात करें तो कल के दिन ये अच्छी खासी
ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसकी जो इनकम निकल प्रॉफिट्स निकल के आई है वो स्टैंडअलोन में अच्छी खासी प्रॉफिट्स देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है एप्टस की, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसा परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स आ गए हम लोग एप्टस स्टेटमेंट के, एप्टस की जो स्टेटमेंट है उस पर देख सकते हैं। इसके स्टेटमेंट भी जो है स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों की स्टेटमेंट होगी। चलिए फ्रेंड्स इसके स्टेटमेंट के एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसा स्टेटमेंट हुआ है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पहला जो स्टेटमेंट है वो स्टैंडअलोन में होगी और नंबर्स जो होंगे वो लैक्स में होगी। तो इसके हम लोग स्टेटमेंट एक बार थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली शो हो। तो देख सकते हैं इसकी जो इनकम टोटल निकल के आई है, देख सकते हैं 18,112 करोड़ लैक्स की जो है इनकम देखने को मिली है, जबकि सेप्टेम्बर क्वार्टर में देख सकते हैं 16,940 लैक्स की जो है इनकम देखने को मिली थी। और अगर हम इसके दिसंबर 20 की बात करें देख सकते हैं 14,132 लैक्स की जो है सो इनकम देखने को मिली थी। देख सकते हैं इनकम में जो है सो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और बात करें हम इसके 9 मंथ्स की तो 9 मंथ्स की भी इनकम में देख सकते हैं ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर एक्सपेंस की बात करें देख सकते हैं 7,260 लैक्स की जो है एक्सपेंसेस देखने को मिली है, जबकि सेप्टेम्बर क्वार्टर में 8,160 लैक्स की एक्सपेंसेस देखने को मिली थी। अगर हम बात करें दिसंबर 20 क्वार्टर की तो देख सकते हैं 6,876 लैक्स की जो है एक्सपेंस देखने को मिली थी। और 9 मंथ्स की भी एक्सपेंसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट्स की तो जो प्रॉफिट्स इस बार निकल के आई देख सकते हैं 8,459 लैक्स की जो प्रॉफिट देखने को मिल रही है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देख सकते हैं 6,913 लैक्स की प्रॉफिट देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें इसके 12 मंथ्स की देख सकते हैं 5,633 लैक्स की जो है प्रॉफिट देखने को मिली थी। तो देख सकते हैं प्रॉफिट्स में भी अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आ रहा है। और बात करें हम इसके 9 मंथ्स की तो 9 मंथ्स की प्रॉफिट्स में भी देख सकते हैं अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करें इसकी हम लोग अर्निंग पर शेयर देख सकते हैं, जो पिछले बार से अर्निंग को थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 1.71 रुपीज़ का अर्निंग देखने को मिल रहा है, जो कि उतना अच्छा अर्निंग पर शेयर नहीं है। अगर हम इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट की देखें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं हम लोग, जो कि देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, जो इसके नंबर्स भी जो है वो लैक्स में होगी। इसके अगर हम लोग टोटल इनकम की बात करें तो 21,631 लैक्स की इनकम देखने को मिल रही है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 20,345 लैक्स की इनकम देखने को मिली थी। अगर दिसंबर 20 क्वार्टर की देखें तो देख सकते 16,948 लैक्स की इनकम देखने को मिली थी। देख सकते हैं इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिला है। और बात करें इसके हम लोग 9 मंथ्स की तो 9 मंथ्स की भी इनकम में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम लोग टोटल एक्सपेंस की बात करें तो जो टोटल खर्च हुई है वो 8,515 लैक्स की खर्च देखने को मिली है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 9,406 लैक्स की खर्च देखने को मिली थी। अगर दिसंबर 20 क्वार्टर की बात करें तो देख सकते हैं 7,960 लैक्स की जो है एक्सपेंस देखने को मिली थी। और 9 मंथ्स की भी एक्सपेंसेस आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। अब बात करें इसकी प्रॉफिट्स की तो कंपनी को जो प्रॉफिट्स निकल के आई है देख सकते हैं, जो प्रॉफिट्स है वो 10,147 लैक्स की प्रॉफिट्स देखने को मिली है, जबकि सितंबर क्वार्टर में 8,525 लैक्स की प्रॉफिट्स देखने को मिली थी। और बात करें इसके हम लोग दिसंबर 20 क्वार्टर की तो देख सकते हैं 6,896 लैक्स की जो है सो प्रॉफिट देखने को मिली थी। और अगर 9 मंथ्स की देखो 9 मंथ्स की प्रॉफिट में भी जो है सो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है, फिर QOQ और YOY में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और EPS की बात करें देखते हैं EPS में भी ग्रोथ जो है सो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो कि 2 रुपीज़ का जो EPS ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब चलते हैं इसके हम लोग शेयर की जो प्राइस चल रही है उस पर एक बार देख लेते कैसा है। तो देख सकते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फिनांस इंडिया लिमिटेड की जो प्राइस अभी चल रही है वो 355 रुपीज़ पर ट्रेड कर रही है, जो कि आज 1.5% का ग्रोथ देखने को मिला था। और फ्रेंड्स कल जब मार्केट ओपन होगी तो हो सकता है इसमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिले, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिले, क्योंकि जो इसकी प्रॉफिट्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ओवर क्वार्टर और ईयर ओवर ईयर में भी, और 9 मंथ्स में भी जो है सो अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके वजह से इसमें भी जो है अच्छा खासा कल इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, कल इसमें जो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है शेयर्स पे। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं एंड करते, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।